हेलो। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो ये है कि आप अपना पेट, जो आपके पेट की चर्बी है या फिर आपका लोअर बैक पे जो फैट स्टोर होता है, आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए और आप मुझे एंडिंग में बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होता है कि नहीं होता है। और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को आप बाकी लोगों को शेयर करिए, ताकि जिसे ज़रूरत हो वहाँ तक ये वीडियो पहुँच पाए और शायद किसी की हेल्प हो पाए। तो जो हम सबसे पहले करेंगे वो है बॉडी का वार्म अप, ताकि आपका ब्लड फ्लो थोड़ा हाई हो जाए, आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए। सो इससे क्या होगा कि आपको वर्कआउट करने के टाइम पे एनर्जी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। सो पहले आप फ्रंट करेंगे, उसके बाद मैं आपको ये साइड व्यू बता देता हूँ। देन आप क्या करें कि पैर क्रॉस करके कर लीजिए, ताकि जो मसल्स है आपकी पैर की वो भी थोड़ी खुल जाए। ये भी आपको 15 करने हैं। सो 15 फ्रंट, 15 लेफ्ट साइड एंड देन 15 राइट साइड। सो ऐसे आपके टोटल हो जाएंगे 45। एंड वर्कआउट के बीच में आप अपनी पानी की बॉटल और अपनी नैपकिन साथ में रखिए, ताकि इन बिटवीन जब भी आप ब्रेक लें तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद, 3 से 4 सेट करने के बाद, आप थोड़ा पानी पी सकते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे जगह पे ही वॉकिंग। सो ये उन लोगों के लिए जो एकदम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग आप स्लो से करिए, उसके बाद आप धीरे 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 आप फास्ट हो जाइए, और ट्राई करिए कि आपकी जो नी है वो जितनी ऊपर हो पाती उतनी ऊपर आए। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ करते हुए दिखा रहा हूँ। सो ये भी आपका वार्म अप एक्सरसाइज है, ताकि आपकी जो पैर की मसल्स है ये थोड़ी खुल जाए, तो इन वर्कआउट के बीच में आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और मसल जब खुली रहती हैं तो ज़्यादा अच्छे से पंप होती है, क्योंकि जब पंप अच्छे से होगी तो ही वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो ये आपके शोल्डर के लिए, ओपन करने के लिए प्रॉपर वर्कआउट है। इसमें आपका बैक भी इन्वॉल्व होता है, आपका शोल्डर भी इन्वॉल्व होता है, आपका चेस्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो ये है आपकी अपर बॉडी के लिए, ये ट्विस्ट कर लीजिए आप अपने आप को। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको बॉडी बनानी है, ये आप फैट लॉस के टाइम पे भी कर सकते हैं, या फिर किसी को अपनी मसल डैमेज हो चुका है, वो अपने आप को रिपेयर करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा आप इसमें कर सकते हैं, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, ताकि आपकी मसल मेंटेन रहे। ये भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 मिनट तक करना है। सो जो हमारा फॉर्मेट होगा वो वही होगा कि पहले आप वार्म अप करेंगे, उसके बाद आप अपना मेन वर्कआउट करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना स्ट्रेचिंग करेंगे। सो हम लोग पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लोअर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा लेग्स का वर्कआउट कर लीजिए। तो लेग्स में आपको क्या करना है, आपको स्क्वाट्स करना है, लेकिन अगर आपको डिफ़िकल्टी ज़्यादा आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, पीछे आप चेयर या स्टूल लगा सकते हैं। सो ये आपकी एक हेल्प करेगा, आपको एक एज ए सपोर्टिव हेल्प करेगा, और ये आपके लिए एक साइड व्यू है। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आप ट्राई करिए जितना स्लो और बैलेंस मूवमेंट होता है उतना ट्राई करिए। सो स्टार्टिंग में आप जितना स्लो हो पाता है उतना करिए। और ये है लंजेस, अगर आप जंपिंग नहीं कर सकते तो आप जगह पे रह करके वाला लंजेस करिए, जिसमें पैर आपको चेंज ना करना पड़े, सिर्फ आपको अप डाउन होना पड़े। और इसमें इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी बैक ट्राई करिए जितनी स्ट्रेट हो पाती है उतनी स्ट्रेट रखिए। सो ये भी आपको लगभग 15 15 15 45 करने हैं, और इसके बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं, तो इन ब्रेक आप पानी पी सकते हैं। फिर उसके बाद हम जो आ जाएंगे, जो हमारा मेन टॉपिक था आज का, कि आप अपने एब्स पे, जहाँ पे आपका मेन फैट स्टोर होता है, ये वो सब वर्कआउट है जो आपके प्रेशराइज करेंगे। तो ये आपके वो सब मेन वर्कआउट है जो आपके बैली फैट पे टारगेट करेंगे, बैली फैट पे। इसमें ट्राई करिए कि आप जितना रेस्ट कम हो पाता है उतना रेस्ट कम करिए, स्लो करिए लेकिन रेस्ट कम करिए, और जितना पॉसिबल हो पाता है आप इंटेंसिटी का मेंटेन रखें। जितना आप अच्छे से वर्कआउट को फील करेंगे उतना ज़्यादा ये प्रेशर देगा, आपके मेन मसल पर टारगेट करेगा। सो शायद स्टार्टिंग में आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन आप धीरे धीरे कुछ कुछ देर के करते जाइए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर थोड़ी देर करिए, फिर थोड़ा ब्रेक लीजिए, ऐसा धीरे धीरे ही करके आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा, आपकी मसल स्ट्रांग होगी।
और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये जो साइड आप करेंगे तो ये आपके साइड रिब्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, तो ये भी आप ट्राई करिए, ये भी आप कम से कम 45 तक करिए। फिर उसके बाद जो आता है अपना प्लैंक आता है, प्लैंक में आप ध्यान रखिए कि आप जितना हो पाता है मैक्सिमम उतने देर तक होल्ड करें, मिनिमम जो आपका होगा वो 30 सेकेंड से लेकर के 45 सेकेंड तक होगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप एक स्टॉप वॉच ले सकते हैं, आप अपने फ़ोन को स्टॉप वॉच की तरह यूज़ करिए और आप इसमें प्लैंक को जितना देर तक होल्ड हो सकता है उसमें करके रखिए। और यदि आप थोड़े एडवांस लेवल पे, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये वाला वर्कआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, आपकी जो नीज़ है वो आपको चेस्ट तक टच करने की कोशिश करना है। और उसके बाद जो ये वर्कआउट है, ये आपके लोअर बैक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। यदि आपका लोअर बैक सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट, जो मेन फैट स्टोर होता है अगर लोअर बैक में होता है, तो आप ये वर्कआउट की हेल्प से उस फैट को निकाल सकते हैं। सो ये आपके बैक के लिए मेन वर्कआउट होता है, जिसमें आप, तो इसमें आप ट्राई करिए जितना आप अपने आप को स्ट्रेच कर पाते हैं उतना स्ट्रेच करिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप, यदि आप अगर अपने चेस्ट को भी टारगेट करना चाहते हैं, तो आप इसमें नी पुशअप भी कर सकते हैं। ये भी आपको 45 करने हैं, सो 15 15 15 के 3 सेट होंगे। और हर सेट के बाद, एक पूरा सेट होने के बाद, आप ट्राई करिए कि बीच बीच में पानी की दो दो तीन तीन घूंट लेते रहिए, ज़्यादा पानी मत पीजिए। तो जो आपका ये मेन वर्कआउट होगा, ये 3-3 सेट का होगा, उसके बाद आपको करना है स्ट्रेचिंग। आपने जो जो मसल को टारगेट किया है आप उसको रिलीज़ कर देंगे। सो स्ट्रेचिंग करने से बेनिफिट ये होगा कि आप जब वर्कआउट के बाद आप जब खाना खाएंगे, तो आपका जो भी एक घंटे के अंदर का जो डाइट होगा, ये आपकी मसल को प्रॉपर मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर रेस्ट लेना है। सो प्लीज़ आप अपने डाइट को फॉलो करिए, बिकॉज बिना डिसिप्लिन के ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप अपनी नींद और अपने बाकी सब चीज़ों का टाइम टेबल मेंटेन रखिए कि आप मॉर्निंग में किस वक्त उठते हैं, रात में किस वक्त सोते हैं। आई नो लॉकडाउन है तो आप लोगों का शेड्यूल पूरा चेंज हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें पूरी कोशिश करिए कि आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए। तो आप इसमें खुद से भी कुछ और स्ट्रेचिंग ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।